लॉकडाउन में रिश्तों की गुत्थी बड़ी अटपटी सी है। इतने उलझे हुए रिश्ते हैं कि सब कुछ पता होने के बाद भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। बीते दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेस यानी कि रीना रॉय, 70 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस मानी जाती है रीना रॉय, और आज उनका जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्हें हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको रीना रॉय के जीवन से जुड़े उस राज के बारे में बताएंगे, उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जब रीना का नाम शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ा जाता था। जी हाँ, इन दोनों के बारे में उस समय कई ऐसी खबरें उठी थीं जो किसी भी आम इंसान को और इनके फैंस को काफी ज्यादा हैरान करके रख देती थी। बता दें आप लोगों को कि रीना जब लंदन गई तब शत्रुघ्न ने यहां पूनम से ही शादी कर ली, और एक ऐसा भी समय आ गया था जब खुद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम उनसे ये कहने लगी थी कि वो उन्हें छोड़कर रीना के पास चले जाएं। और शत्रुघ्न ऐसी दो नाव पे पैर रख चुके थे जहां से वो किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में हुआ यही कि वो अपनी पत्नी पूनम के साथ रहे और रीना के साथ उनका रिश्ता टूट गया। क्या कुछ इस रिश्ते में और हुआ, इस पूरी बात की जानकारी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देने वाले हैं।
शादी के कुछ सालों बाद तक भी शत्रुघ्न का रिश्ता रीना से चला, और जब उनकी पत्नी पूनम को इस बारे में पता चला, पूनम हो, रीना हो या फिर शत्रुघ्न हो, शादी के बाद इन तीनों ने कई इंटरव्यू में इस रिश्ते पर खुलकर बात की है। जहां शादी के बाद भी शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में इस बात को माना है कि वो रीना किससे शादी के बाद भी मिलती थी, तो वहीं पूनम ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें रीना और शत्रुघ्न के बारे में सब पता था। तो वहीं रीना ने शत्रुघ्न की शादी के कुछ समय बाद क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली थी। मोहसिन के साथ उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तब इन दोनों में अलगाव आ गया, और अब जो रीना रॉय है वो अकेले रहती हैं। बता दें आप लोगों को कि रीना ने अपनी बेटी के लिए कस्टडी केस भी किया था, लेकिन रीना को वो केस में भी सफलता नहीं मिली। आजकल बेशक फिल्मी दुनिया से रीना रॉय दूर है, लेकिन वो अपने जीवन में ही काफी ज्यादा व्यस्त हो चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।